पास का यहाँ पर ओपन में जाके ग्रेनेड्स कर रहे हैं। जेली को बिल्कुल ओपन में आते हुए बगी से घूमते हुए देखा गया है। आदित्य ने वहां पर मैक्स कास्ट को डाउन करा, तो एक थ्री वे फाइट चल रही है जहाँ पर ऑरेंज ड्रॉप भी है, जहाँ पर टीम एच भी है, जहाँ पर टीम फॉरएवर भी है। गिल ने अभी एक ड्रॉप निकाला है, पर अल्ट्रॉन यहाँ पर उन्हें अब रिवाइवल दे देगी बिकॉज इंस्टेंट पनिशमेंट वहां से ऑरेंज ड्रॉप की तरफ से आया है। मवी ही इज द मैन विद द गोल्डन हैंड। अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि इस गोल्डन हैंड के चलते ऑरेंज ड्रॉप के कुछ और प्लेयर्स के लिए कुछ और स्ट्रगल आता है क्या, मुश्किल रहेगा ऑरेंज ड्रॉप के लिए बच पाना बिकॉज काफी सारे प्लेयर्स उनके ऑलरेडी नॉकआउट थे उनके आईजीएल जेली के ऊपर। यहाँ टीम एच के आईजीएल ग्रेनेड करते हुए उधर ऑरेंज ड्रॉप की इवो ने अकेले टीम एच के बाकी प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा दिया। एंड देखते ही देखते there's a last man मैच एंजॉय कर रहे हैं, वेटिंग होता टाइम की कब इन दोनों की फाइट खत्म होगी और हम बिल्कुल आखिरी में जाके एक बढ़िया थर्ड पार्टी करेंगे। स्काउट को यहाँ पर नॉक एंड पनिश कर दिया जाता है। 8 फिनिश पॉइंट्स टीम अभी तक एक्युमुलेट कर चुके हैं एंड बहुत सारे प्लेयर्स ऑरेंज ड्रॉप के ऑलरेडी लो भी हैं, फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे एंड अब बारी आ चुकी है टीम फॉरएवर की एक बढ़िया थर्ड पार्टी का। हर तरफ जहां पर भी टीम एक्स जा रही है फाइट में इन्वॉल्वमेंट हो रही है क्योंकि उनको पता है कि यहां पर उनको नॉट ओनली यहां पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको फिनिश पॉइंट भी चाहिए। और क्या यहां पर निकाल दिया कि फिनिश और एक और 5 मिनट निकालने के बाद अच्छी स्टार्ट जरूर हुई थी ऑरेंज रॉक की, लेकिन डीम एक्स पार्क ने